नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। आज हम बात करेंगे 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह की शुरुआत हिंदू तिथि के अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 20 जुलाई और हफ्ते का अंत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 26 जुलाई को होगा। अगर इस सप्ताह पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की बात की जाए तो 20 जुलाई सोमवार को श्रावण अमावस्या का व्रत, 23 जुलाई गुरुवार को हरियाली तीज और 25 जुलाई शनिवार को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते सितारों की बदलती चाल, ग्रहों की बदलती दशा और ज्योतिषीय गणनाओं का क्या होने वाला है आपके स्वास्थ्य, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। बढ़ते हैं पहली राशि मेष की ओर। मेष राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत में आपके व्यक्तित्व में साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। निजी जीवन और कारोबार में हर कार्य सफलता से पूरा कर पाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं हैं। भूमि, भवन, वाहन में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। सप्ताह के मध्य में स्टूडेंट्स के लिए भी समय उत्तम है। मेहनत करिए, परिणाम जरूर मिलेगा। सुख सुविधाओं के वस्तुओं में वृद्धि होगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी कुछ चिंताएं हो सकती है। सप्ताह के अंत में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी हर चुनौतियों का सामना सरलता से कर लेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो बिना सोच विचार के कोई कार्य ना करें, अन्यथा भारी पड़ सकता है। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। ज्योतिषीय सलाह, सावन के महीने में शिवजी को रोजाना कच्चा दूध या पंचामृत चढ़ाएं। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन से रिलेटेड मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, नहीं तो आर्थिक तंगी हो सकती है। हालांकि सप्ताह का मध्य किसी नई प्लानिंग को साकार रूप देने के हिसाब से अच्छा रहेगा। कोई सपना साकार होता नजर आ रहा है। वाहन या भूमि खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। सप्ताह का अंत स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि अगर किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो वह आपके मन लायक आएगा। प्रेमी जातकों के जीवन में कोई खूबसूरत मोड़ आने वाला है, जहां से आपकी लव लाइफ और भी ज्यादा खुशहाल होने वाली है। वहीं मैरिड लोगों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल ही रहेगा। जीवन साथी के साथ पुरानी यादें ताजा करते नजर आएंगे। ज्योतिषीय सलाह, रोजाना सूर्योदय के समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का आरंभ स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। आपके व्यक्तित्व और वाणी से आप अपने बिगड़े काम सुधार लेंगे। सप्ताह के बीच में शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। कारोबार में भी लाभ होगा। बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है तो इस दौरान उसकी हार निश्चित दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों की ओर से किसी तरह की सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे कोई बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। सप्ताह का अंत भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्चा करवा सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह हफ्ता थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा, परंतु विवाहितों के लिए यह समय उत्तम है। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह, माता जी की पूजा करें और छोटी कन्याओं को उपहार दें। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। हर क्षेत्र से हानि उठानी पड़ सकती है। मनचाहा कोई भी परिणाम ना मिलने से आपके स्वभाव में उग्रता देखने को मिलेगी। घर के लोगों से कहा सुनी भी हो सकती है। सप्ताह का मध्य थोड़ा ठीक रहेगा, परंतु आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आप अपने बनते काम भी अपने स्वभाव के कारण बिगाड़ लेंगे। सप्ताह के अंत में घमंड करने से बचें, कहीं आपकी यही कमजोरी आपको ले न डूबे। प्रेमी जातकों के लिए भी यह सप्ताह प्रतिकूल ही रहेगा। क्रोध के चलते एक दूसरे को अपमानित करने से बचें। शादीशुदा वर्ग की बात की जाए तो जीवन सामान्य ही चलेगा। ज्योतिषीय सलाह, शिवजी की आराधना करें और सोमवार को सफेद चीजों का दान करें। बढ़ते हैं अगली राशि सिंह राशि की ओर। यह सप्ताह का आरंभ हर क्षेत्र में लाभ देने वाला होगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। हालांकि इस दौरान छोटी यात्राओं के योग बनते दिख रहे हैं, परंतु हो सके तो यात्राओं को टाल दें। सप्ताह के बीच में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। पेट संबंधी तकलीफें हो सकती है। व्यर्थ के विवादों से स्वयं को दूर रखें। सप्ताह के अंत में
धन से जुड़े मामलों में सोच समझकर फैसले लें और वाणी पर संयम रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। वहीं वैवाहितों की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा संभल कर चलें। जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। ज्योतिषीय सलाह, सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत में संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई करीबी व्यक्ति आपको मुनाफा करवा सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्कता से ही फैसले लें। सप्ताह के मध्य में मानसिक चिंताएं बढ़ेगी। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी होगी। सप्ताह के अंत में नौकरी और कारोबारियों की उन्नति होने के योग हैं। वहीं बात करें इस सप्ताह प्रेमी जातकों की तो आपसी प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे को उपहार देकर खुश करते नजर आएंगे। शादीशुदा जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। जीवन साथी की पदोन्नति या कोई बड़े इंक्रीमेंट के योग दिख रहे हैं। ज्योतिषीय सलाह, तुलसी और पीपल के पेड़ में दिया लगाएं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। समय को टालने में ही भलाई है। तनाव के चलते स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत होगी। सामाजिक स्तर पर बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच विचार कर करें, अन्यथा मानहानि होने की उम्मीद है। सप्ताह का मध्य थोड़ा राहत देगा। जीवन में चल रही परेशानियां थोड़ी हद तक संभलेगी। नौकरी पेशा जातकों के अटके काम पूरे होंगे। सप्ताह का अंत थोड़ा खर्चीला हो सकता है। आर्थिक तंगी महसूस होगी। वहीं बात करें प्रेम संबंधों की तो यह सप्ताह सामान्य रहेगा और शादीशुदा जातकों के संबंधों में खटास आ सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ज्योतिषीय सलाह, शिव पार्वती की उपासना करें। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत शुभ रहेगी। अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, परंतु परिवार में मतभेद की स्थिति भी बनती दिख रही है। हो सके तो समय रहते विवादों से किनारा कर लें। सप्ताह के मध्य में हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। कार्यों में गति आएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों से खुश रहेंगे। हालांकि धन संबंधी मामलों में सतर्कता रखें। सप्ताह के अंत में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही उत्तम है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह हफ्ता सामान्य रहेगा। प्रेम में अधिकता होगी। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए भी समय अनुकूल ही होगा। ज्योतिषीय सलाह, हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला प्रभाव लेकर आ रहा है। शुरुआत में कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। जो लोग रहस्य या तंत्र मंत्र सिद्धियों में यकीन करते हैं उनके लिए यह समय उत्तम है। इस सप्ताह कोई महंगी वस्तु जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स खरीदने में धन खर्च होता दिख रहा है, परंतु वहीं आपकी कोई कीमती चीज चोरी होने या किसी के द्वारा हड़पने की भी आशंका है। सप्ताह के मध्य में आप दान पुण्य के कामों में हिस्सा लेंगे और परोपकार की भावना आपको खुशी देगी। स्टूडेंट्स एकाग्र होकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करेंगे। सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, मुनाफा अर्जित करेंगे। प्रेमी जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। वहीं वैवाहिक लोगों के लिए भी समय प्रतिकूल ही है। ज्योतिषीय सलाह, गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें और स्टेशनरी का दान करें। बढ़ते हैं शनि के स्वामित्व की अगली राशि मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों की सप्ताह की बात करें तो हफ्ते के आरंभ में आपको किसी पुरानी चल रही बीमारी से मुक्ति मिलेगी। किसी प्रतिस्पर्धा में अगर हिस्सा लेंगे तो आपके जीत होने की प्रबल संभावना है। नौकरी पेशाओं को तरक्की मिलेगी। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के सहयोग से व्यापार में मुनाफा होगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा फील्ड में रुचि दिखाएंगे। सप्ताह का अंत आते आते परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के योग हैं, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यहां आय से ज्यादा अति उत्साह में खर्च अधिक होने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की तो समय मिलाजुला रहेगा, परिस्थितियां सामान्य ही बनी रहेगी। ज्योतिषीय सलाह, कुछ दाने काले तिल के जल में मिलाकर शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाएं।
कुंभ राशि। सप्ताह की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर शुभ रहेगी। किसी भी तरह की एग्जाम्स, टेस्ट या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कुंभ राशि के जातक इस हफ्ते अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, हर चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेंगे। सप्ताह के मध्य में थोड़ी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है, परंतु परिवार के सहयोग से वे भी कम होती नजर आ रही है। ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है, परंतु कोरोना के समय में सावधानी रख के ही यात्रा करें। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं घेर सकती है, थोड़ा सतर्क रहें। प्रेमी जातकों की बात करें तो एक दूसरे को अपने व्यवहार से आहत कर सकते हैं, समय प्रतिकूल है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह खुशियों भरा रहेगा। ज्योतिषीय सलाह, शनिदेव को प्रसन्न करें और गरीबों को काली उड़द या काली वस्तुओं का दान करें। राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि। सप्ताह की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए कुछ ठीक नहीं है। घर में मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपकी माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास के चलते एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थियों को अपने परिश्रम के अनुसार परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आप बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी समाधान निकाल लेने में सक्षम होंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। सप्ताह का अंत आते आते अगर कोई बिजनेस से जुड़ी परेशानी थी तो वो भी हल होती दिखाई दे रही है। प्रेमी जातक इस सप्ताह एक दूसरे को खुश करने का हर संभव प्रयास करेंगे और वहीं शादीशुदा जातक भी जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह मीन राशि के लिए अनुकूल रहेगा। ज्योतिषीय सलाह, विष्णु जी की आराधना करें और पीली वस्तुओं का दान करें। तो दोस्तों, यह थी इस सप्ताह आपकी 12 राशियां। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन करें। तब तक के लिए मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।